हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है पाक मीडिया शॉक्ड एज यूएसए सेलिब्रेट्स रक्षाबंधन। भाई हम तो कर ही रहे हैं, वैसे और भी कई इतने सारे लोग होंगे जो राखियां यूएसए में जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आवाज को क्या हुआ? आपको अलग लगी कि नहीं लगी बताना, चलो शुरू करें। In the US, we have a lot of holidays, but Rakhi is a little piece of India that we'd like to take with us. It symbolizes the love between a brother and a sister. So sweet. ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है, एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। तो फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीजों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? प्रेसिडेंट ने कर लिया है, तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्या बोल, यू आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी नाउ। कंट्री तो खत्म हो चुका है पहले, जो सोच देयर इज नो कंट्री। आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ अ कंट्री। क्योंकि बाउंड्रीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, सॉवरेंटी आपकी को नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जाके कह रहा है इलेक्शन कराओ नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ऑफिशियल हॉलीडे हमने बोल रहा है। रिसेंटली हमने देखा था लास्ट दिवाली पे व्हाइट हाउस में भी दिवाली सेलिब्रेट की गई थी जो बाइडेन की तरफ से। और दिवाली हो होली हो, ये दो फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं जो पूरे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, साउथ अमेरिका में भी अगर आप चले जाएं, ब्राजील, पेरू और अर्जेंटीना, उधर भी बहुत बड़े लेवल पे हूँ। आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री, आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो अनु थे, जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज रक्षाबंधन आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार खुश रहे। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है कि अमेरिका यानी यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क, आप लोग को पता होगा न्यूयॉर्क काफी फेमस सिटी है, और वहां पे न्यूयॉर्क गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोग भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे ले सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं कटेगा, इसका कोई असर उनके जॉब पे नहीं पड़ेगा। एक तरीके से ऑफिशियल जो मनाना चाहता है गवर्नमेंट ने उनके लिए हॉलीडे दे दिया ऑफिशियल। इसको सुनकर पूरे पाकिस्तान मीडिया में शॉक फैल गया कि यार होली एंड दीपावली पे तो वैसे ही पूरा अमेरिका बंद रहता है और नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया जाता है। बट अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अमेरिकन लोगों भी में भी रक्षाबंधन के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में दबा के राखी बिक रही है इस साल, और इंडिया से अरबों रुपए की राखी अमेरिका समेत कई देशों में गई है, क्योंकि वहां के लोग अब राखी रक्षाबंधन फेस्टिवल को तेजी से मना रहे। वहीं अगर पाकिस्तान और अदर धर्म की बात करें, धर्म तो नहीं खैर मजहब होते हैं बोलो या जो भी होते हैं, उनकी बात ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है, एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीजों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? प्रेसिडेंट ने कर लिया है, तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की जरूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है, और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आजाद खुदादाद मملکت को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना जीडीपी है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीजें हैं। लेकिन जब हमारे लीडर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे कि अगर अमेरिका को नाराज कर देंगे, सुपर पावर को नाराज कर देंगे तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, ये स्टेटमेंट शायद आपने सुनी हो, तो फिर शायद अमेरिका भी ऐसी ही स्टेटमेंट देगा। अमेरिका भी हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू नहीं समझेगा और ना ही हमारी कदर करेगा। मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा। मैंने एक यूट्यूबर को सुना था, मैं उनका भी नाम तो नहीं लूंगा, बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला।
तो क्या स्माइल कर रही है, अंदाजा लगा रहे हैं। सही है, ये चीजें तो खैर पर क्या ही बात करनी, क्या ही बात करनी, अरे तुम्हारे यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है, सारे और हजारों साल जिएंगे सारे जो बहनों के भाई हैं और खुश रहे, आबाद रहे, ठीक है। हमारा कभी ऐसा नहीं होता, इवन अब उन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है किसी मामले में, इंटरनेशनल अफेयर में हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, क्या वजह, हमारी क्यों नहीं जरूरत, हमारी वर्थ क्यों नहीं, हमारी वैल्यू क्यों नहीं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई वजूद नहीं है, इसकी बिल्कुल उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी, ये नुकसान किसका हो रहा है, ये नुकसान आवाम का हो रहा है, इंडिया की, इनके बाप का मुल्क है कि मुझे वजीर आजम नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूंगा, ठीक है, ये अपनी कुर्सी के लिए बस बैठे हुए हैं, लोग जलील हो रहे हैं, ये अवाम का कोई कसूर नहीं है, लीडरों का सिर्फ कसूर है, ये अवाम का ही कसूर है, सबसे ज्यादा कसूर ही अवाम का है। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है आप उसके पीछे लग जाते हैं, इंडिया का बताएं वो देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्होंने भी आगे कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इकॉनमी बेहतर है, दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है, दिवाली जैसा कोई इवेंट है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या, क्योंकि उनकी हुकूमत पावरफुल होती है इंडिया की, हमारी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं होता, उनकी हुकूमत को पावरफुल कौन बनाता है, अवाम या उनकी हुकूमत खुद, क्योंकि उधर चीजें होती हैं मेरिट पे, यहाँ पे मेरिट पे नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे फैसले कहीं और से होते हैं, ठीक है, जो इन्होंने बात की है फैसले कहीं और से होते हैं, आप इसकी से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा सर, ठीक है जी, आइए कहीं और से होते हैं, और ये जो है ना एक बंदा है वो पहले उन्हीं लोगों को गलत कहता है, ठीक है, जब उसे वही लोग ऑप्शन देते हैं तो वो उनकी गोद में बैठ जाता है, ठीक है, इनका ठीक है ही नहीं खत्म होता, ठीक है अपनी देश में बैठ के अपने देश को कोसते रहो, यही काम रहो, यही नहीं कि उसके लिए कुछ अच्छे काम कर लो, कि देश को सुधारने में काम करो, बस माइक लेके बातें कर लो, ठीक है कर लो, इससे देश सुधर जाएगा, मतलब जो भी है वो अपने फ्रस्ट्रेशन तो होगी, मेरे था फ्रस्ट्रेशन निकालने का, बिल्कुल, कि अपने देश से हैप्पी नहीं है, उसे लग रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसका फर्क नहीं पड़ता कि लोग स्ट्रांग हैं मगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है, नहीं हमें इनकी बात नहीं करनी, हमें तो राखी की बात करनी है, कि देखो कितने धूमधाम से जो है राखी इवन यूएसए में सेलिब्रेट हो रही है, और जैसे दिखाया था ना कि दो बच्चे अमेरिकन बच्चे थे जो पूरा बता रहे थे, यहाँ तो मेरे ख्याल से उनके स्कूल में खास कुछ हो रहा होगा ऐसा प्रोग्राम जिसमें उन्होंने बताना होगा कि भैया राखी के बारे में कुछ बताओ या उस टाइप से करो, क्योंकि ऋषि के स्कूल में भी दिवाली के टाइम होता है, तो पूरा वहाँ पे उनका जो चैपल है वहाँ पर वो पूरा डेकोरेट करते हैं राखी की सेलिब्रेशन, राखी कह रही हूँ दिवाली की सेलिब्रेशन में पूरा डेकोरेट होता है, वहाँ पे पुजारी जाते हैं, वहाँ पे गाना होते हैं, सब होता है, पूरा वो दिवाली की सेलिब्रेशन होती है, तो वैसे हो सकता है किसी स्कूल में उन्होंने राखी का किया हो या किसी के घर में हुआ हो या इस टाइप से भी कुछ हो सकता है, पर वो बच्चों ने दोनों ने जो अमेरिकन थे बड़ा प्यारा बोला था, और जिस तरह से कि भैया भाई और बहन के, और बहुत ही प्यारा ये फेस्टिवल है, आपको इतने सुंदर फेस्टिवल सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे कि भाई बहन के प्यार का, हस्बैंड वाइफ का, करवा चौथ, हर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई आपको त्योहार मिलेगा जिससे प्यार जो है, प्यार, रिस्पेक्ट, ये सब बढ़ती है, और इतना प्यारा है कि बहन राखी बांधती और भाई कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, जब भी तेरे को टाइम ऑफ नीड होगा मैं तेरे साथ रहूंगा बहन पूरी जिंदगी, इससे प्यारा त्यौहार क्या हो सकता है, बताओ, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।